जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आजकल जो आप लोग भगवान के नाम की शर्ट पहने घूमे रहते हैं, क्या वो शर्ट पहनना सही है? क्या उस शर्ट को पहनने से भगवान हमसे नाराज़ होते हैं या नहीं होते? ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप लोग भी गलती कर रहे होंगे तो आज से ही इस गलती को सुधार लेना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि रोड साइड में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि आपको कुछ तरह की जो शर्ट रहती हैं वो बेचते हुए नज़र आते हैं। शर्ट या टी शर्ट, जिन शर्ट या टी शर्ट के ऊपर आपको भगवान का नाम दिखता है, वो भगवान का नाम भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, भगवान कृष्ण जी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या राम जी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई शर्ट है और उस पर राम नाम का नाम लिखा हुआ है, या राधे राधे का नाम लिखा हुआ है, या भगवान शिव जी का नाम ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, या भगवान शिव जी के किसी भी एक स्वरूप का जो है उच्चारण लिखा हुआ है, या भगवानों के नाम का उच्चारण लिखा हुआ है, तो क्या उस शर्ट को हमें पहनना चाहिए? क्या उस शर्ट को हमें खरीद कर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, आजकल लोग इसे एक ट्रेंड की तरह ले रहे हैं, पर यह बात बिल्कुल गलत है। कभी भी आपको भगवान के नाम को इस तरीके से पहनकर नहीं घूमना चाहिए, और ना ही भगवान का नाम ऐसे बिकने के लिए लायक होता है। देखिए, शर्ट पहनना एक अलग बात है, उस शर्ट के ऊपर जब भगवान का नाम हो जाता है तो वो कोई साधारण शर्ट नहीं रहती है, ये साधारण टी शर्ट नहीं रहती है ना। तो गलती कहाँ पर होती है वो हम आपको बताते हैं। जब तक वो शर्ट बिकती है ठीक है, वो शर्ट आपके हाथ में आई ठीक है, और आपने उस शर्ट को पहन लिया तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों, गड़बड़ सबसे बड़ी जब होती है, जब उस भगवान के नाम का मतलब निराधार होता है, जब आप लोग उस शर्ट को पहनकर किसी अशुद्ध स्थान पर पहुँच जाते हो, जिस शर्ट पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, राम नाम या राधे राधे या भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, और उस शर्ट को पहनकर आप किसी भी अशुद्ध स्थान पर चले जाते हो, तो ये फिर भगवान को पसंद नहीं आता है और भगवान फिर आपसे नाराज़ रहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि आप भगवान के नाम की शर्ट पहने हुए हैं और आप टॉयलेट के लिए चले गए हों, या आप बाथरूम के लिए चले गए हों, या आप लघु शंका के लिए चले गए हों, तो उस स्थान पर आप बाथरूम में प्रवेश करते हैं या लघु शंका जाते हैं, तो उस समय आप लोग अगर उस शर्ट को पहने हुए हैं तो ये आप भगवान के नाम का अपमान करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, भूल कर भी इस तरीके की शर्ट को हर जगह पर ना पहने। पहनने को कोई भी मना नहीं करता है, पर पहन रहे हैं तो बस शुद्ध स्थान तक ही पहने। आप उस शर्ट को अपने सिरहाने तक रख सकते हैं, आप उस शर्ट का और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस शर्ट को आप अपने सिरहाने पर रखेंगे या अपने हाथों में बिल्कुल इज्जत से रखेंगे तो आप उस शर्ट का या भगवान के नाम का आदर कर रहे हैं। अगर आप उसी शर्ट को पहनकर जिस पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, उस शर्ट को पहनकर किसी भी अशुद्ध स्थान पर जा रहे हैं या किसी भी मतलब कहीं पर भी बाथरूम में जा रहे हैं, तो वो फिर भगवान के नाम का अपमान होता है। इसलिए दोस्तों, आज से ही इस गलती को सुधारना चालू कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों, इस शर्ट को आपको उस समय भी नहीं पहनना चाहिए जब आप गुटखा खा रहे हों या थूक रहे हों, तब भी आपको इस शर्ट को पहनकर नहीं रखना चाहिए, या सिगरेट पी रहे हों। जितने भी भाई लोग ऐसे हैं जो कि इस शर्ट को पहनकर किसी भी तरीके का नशा कर रहे हैं, तो भाई वो भी गलत है, वो भी भगवान के नाम का अपमान होता है। इसीलिए दोस्तों, इन सभी तरीकों को अगर आप लोग करते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट अगर आप लोग पी रहे हैं, तो उस समय आपके शरीर पर वो भगवान के नाम की शर्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको इससे पाप लगेगा, भगवान के नाम का इससे अपमान होता है। और कहीं पर भी आपको ऐसी शर्ट मिले, शर्ट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, पहनो, भगवान के नाम को पहनो, उससे भगवान के नाम से तो बल्कि हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, पर उस भगवान के नाम को लेकर किसी भी अशुद्ध स्थान पर नहीं जाना है। इस बात का आज से ही ध्यान रख लो। जा भी रहे हो तो भाई इस शर्ट को उतार कर अलग रख दो और फिर वापस से इस शर्ट को मत पहनना। इस शर्ट को तभी पहनना जब आप लोग नहाकर बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, स्नान करने के बाद ही आपको इस शर्ट को पहनने का हक है, इसके अलावा और कभी नहीं। इस बात को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए दोस्तों, भगवान के नाम वाली जितनी भी शर्ट हैं उन्हें शुद्ध होकर ही पहना जाता है और शुद्ध स्थानों पर ही पहनकर जाया जाता है। अशुद्ध स्थान पर उनको पहनकर जाओगे तो भगवान इससे आपसे नाराज़ होंगे, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो इस बात को अपने और परिजनों तक ज़रूर शेयर करो ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाली सरकार, जय बागेश्वर महादेव।